अपनी शर्म करो। उन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी कहा है, पी चिदम्बरम ने कहा है, सुशील कुमार शिंदे ने कहा है, ये कांग्रेस की एक परम पार्टी बन गई है। ये हिंदू के हिंसक नजर आते हैं। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, होश में आओ गांधी, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राहुल गांधी होश में आओ। सभी मोर्चों पर देखते हैं लोगों का मन, मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर घमासान देखने के लिए मिल रहा है और सड़कों पर बीजेपी नेता और साथ ही साथ आम जनता भी उतर गई है। कई जगहों पर प्रदर्शन देखने के लिए मिला, राहुल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए, तो दिल्ली में भी राहुल गांधी के कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो है जमकर अगर आप कहेंगे बवाल कटा है। तो कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता जो है प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर बयान पर भाजपा उन्हें घेरते हुए नजर आई। भाजपा नेता उनके विरोध में बयानबाजी करने के साथ ही सड़कों पर उतर आए। भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहकर सनातन का अपमान किया। इसके विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। दिल्ली भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर के सामने अन्य मुख्य चौराहों पर हाथों में राहुल गांधी और कांग्रेस के विरोध में लिखे नारे वाले पोस्टर लेकर विरोध जताया। वहीं आज कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए मानसिंह रोड स्थित जैसलमेर हाउस के सामने नारेबाजी करते हुए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा ने इस दौरान कहा कि राहुल गांधी देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि किसी और धर्म के बारे में इस तरह की टिप्पणी करके दिखाएं। हिंदुओं पर अपमानजनक टिप्पणी उनके आचरण को दर्शाता है। उनका लालन पालन विदेशी संस्कृति के अनुसार हुआ है, विदेशी मानसिकता उनके आचरण में दिखते ही। उन्होंने कहा कि झूठ बोलना, बार बार बोलना और जोर से बोलना कांग्रेस और उनके सहयोगी पार्टियों के नेताओं की आदत हो गई है। विपक्षी नेता देश विरोधियों को समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम और सुशील कुमार शिंदे भी हिंदुओं को आतंकी बोल चुके हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदुओं को बदनाम कर रही है। इस दौरान प्रदर्शन में सांसद योगेंद्र चंदोलिया, प्रदर्शन के सभी मोर्चे के प्रभारी सुमित भस्ते, प्रदेश महिला भाजपा मोर्चा के अध्यक्ष ऋचा मिश्रा पांडे, अरविंद सिंह लवली सहित अन्य भाजपा नेता शामिल थे। जरा देखिए किस तरीके से प्रदर्शन दिल्ली में देखने के लिए मिला। राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, ये जो भीड़ खड़ी है वो अपने वक्तव्य में कह चुके हैं कि मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी कहा है, पी चिदम्बरम ने कहा है, सुशील कुमार शिंदे ने कहा है, ये कांग्रेस की एक परम पार्टी बन गई है। ये हिंदू के हिंसक नजर आते हैं, ये हिंदू हत्यारे नजर आते हैं, ये हिंदू हिंसा करने वाले नजर आते हैं। आप हिंदू समाज का अपमान करोगे और पूरे सनातन को गाली दोगे तो हिंदू समाज तो रिएक्ट करेगा। और सदन के अंदर खड़े होकर आप ऐसी भाषा बोलते हो, आप संसद की गरिमा को तार तार कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि आप किसी भी किसी दूसरे धर्म के लिए बोल के दिखाएं। राहुल गांधी एक शब्द बोल के दिखा दें, लेकिन हिंदू क्योंकि उदारवादी है, हिंदू सहिष्णु है, हिंदू जो है वो सबको साथ लेके चलता है, तो उसे कुछ भी कहेंगे आप। हिंदुओं को गाली देने का काम किसने किया है? राहुल गांधी ने किया है। कल उन्होंने सदन के अंदर खड़े होकर कहा कि हिंदू हिंसा करते हैं, ये हिंदू हिंसा करने वाले नजर आते हैं क्या आपको? जवाब दे राहुल गांधी। मैं राहुल गांधी की मजबूरी समझता हूँ कि उन्होंने अपनी बहन प्रियंका को वायनाड से चुनाव लड़वाना है और वायनाड में वोट तभी मिलेंगे जब हिंदुओं को गाली देंगे। राहुल गांधी, शर्म करो, शर्म करो।
तो जैसा कि आपने दिल्ली का हाल देखा, वीरेंद्र सचदेवा का सुना, वहां पर कई नेता जो है वहां मौजूद नजर आए, किस तरीके से प्रदर्शन हुआ। वहीं झारखंड की रांची में भी राहुल गांधी के खिलाफ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो है जमकर प्रदर्शन किया। सबने आपको बता दें कि सड़कों पर वो उतरते नजर आए। वहीं कहीं कहीं जगहों पर तो राहुल गांधी के पुतले भी फूके गए, प्रदर्शन किया गया। राहुल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। जरा देखिए किस तरीके से पुतला फूका जा रहा है, उनके खिलाफ नारेबाजियां की जा रही है। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदुओं को अपमान करना बंद करो, हिंदुओं को अपमान करना बंद करो, मुर्दाबाद। मुद्दा है धर्म के प्रति आस्था का साथ खिलवाड़ करने का, विरोध में है। आप देखेंगे राहुल गांधी हमेशा से हिंदू धर्म का अपमान करते हुए आए हैं। वो हमेशा कभी हिंदू हिंसक है, कभी बोलते हैं हिंदू मंदिर जाता है लड़की छेड़ने। आप देखेंगे कि एक बार दुर्गा पूजा के चुनाव, दुर्गा पूजा के समय के आसपास है, वो बोले कि हिंदू धर्म एक शक्ति होती है, हमें उस शक्ति से लड़ना है। शक्ति मतलब माँ दुर्गा के रूप होता है, और वो माँ शक्ति दुर्गा से लड़ेंगे, वो हमेशा हिंदू का अपमान करते हैं। अगर हिंदू जिस दिन हिंसक हो जाएगा, ये लोग कहीं नजर नहीं आएंगे। और मैं बता दूं कि हिंदू धर्म के लोग कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उनका एक स्लोगन रहता है कि मानव का कल्याण हो, मानव का मानव में सद्भावना आए और विश्व का कल्याण हो। तो ये नारा के साथ हम लोग विश्व का कल्याण हो, विश्व के एक एक आदमी का कल्याण हो, सब खुशहाल रहे, सब आगे रहे, और धर्म अधर्म का नाश हो हम लोग करते हैं, और विश्व का कल्याण की बात करते हैं, मानव में सद्भावना की बात करते हैं। और ये राहुल गांधी हिंदू को हिंसक और हिंदू के प्रति हमेशा अपमान वाली बात करते हैं, तो जिस दिन हिंदू जाग गया ना, इस यहाँ कहीं नजर नहीं आएंगे। हिंदू का विरोध करना ये बंद करे, वोट की राजनीति करना बंद करे, और इनके इर्द गिर्द जितने चोर लोग गठबंधन में बनाए हुए हैं, ये सभी लोग हिंदू का विरोध करते हैं। और देखिएगा कि कहीं भी कोई घटना होती है, ये तुरंत राजनीति करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कोई बंगाल में किस तरह महिला के साथ दुर्चार किया गया, मारा पीटा गया, ये उस पर नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, खाली हिंदू धर्म के विरोध में बोलते रहेंगे, तो हिंदू समाज इनको जवाब देगी। आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ जो है लगातार आक्रोश जनता में देखने के लिए मिल रहा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर हमला बोला था। राहुल ने कहा था कि भाजपा लगातार संविधान पर हमला कर रहे, तभी इसका जवाब जनता ने चुनाव में दिया। उन्होंने कहा कि यही नहीं, मेरे पर भी हमले हुए, मेरे पर केस दर्ज किए गए, यहां तक मुझे 2 साल की सजा सुना दी गई। राहुल ने कहा मुझे मीडिया भी टारगेट करता है, लेकिन जनता ने जवाब दे दिया। राहुल ने इसके बाद सदन में भगवान शिव का चित्र दिखाते हुए कहा कि हम सब भगवान शिव की शरण में थे, इसी से हमें ऐसे लोगों से लड़ने में मदद मिली। भगवान के साथ का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा शिवजी ने जहर पी लिया था और वो नीलकंठ हो गए थे, वहीं से हमने सीखा है कई जहर पिए हैं। खुद को हिंदू कहने वाले ही हमेशा हिंसा करते हैं। राहुल गांधी ने इसके बाद भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला और कहा कि इस्लाम में बताया गया है कि पैगंबर कहते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, इसलिए डरना नहीं। और इनका सिख पंथ के गुरु नानक जी का भी संदेश है। इसके बाद राहुल गांधी ने भगवान शिव का चित्र दिखाकर कहा कि शिव जी कहते हैं कि डरो और डराओ मत। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो सबसे ज्यादा दिन रात हर वक्त हिंसा करते रहते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से उन्होंने हिंदुओं को हिंसक मतलब जो है बोल दिया। इस दौरान राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार टोका। गृहमंत्री अमित शाह ने भी इसे लेकर उन्हें कहा कि माफी मांगो। और अब देखिए कि सड़कों पर राहुल गांधी के बयान के खिलाफ जो जनता उतर चुकी है, वो भी अब राहुल गांधी से माफी मांगने को लेकर नारे लगा रही है। राहुल गांधी पर गुस्सा जो है अपना दिखा रही है, पुतले फूके जा रहे हैं और राहुल गांधी के खिलाफ अब जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वैसे मैंने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर अब आपके भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।